किसानों की जमीन को सुरक्षा देने के लिए उन्हें अलग अलग चरणों में 11 करोड़ सॉयल हेल्थ कार्ड दिए गए हैं। इसकी वजह से किसानों को अपनी जो जमीन है उसकी क्या मर्यादाएं हैं, उस जमीन की क्या शक्ति है, किस प्रकार के बीज बोने से, किस प्रकार की फसल बोने से अधिक लाभ होता है, दवाइयां कौन सी जरूरी पड़ेगी, फर्टिलाइजर कौन सा जरूरी पड़ेगा, ये सारी चीजें उस सॉइल हेल्थ कार्ड के कारण, जमीन की सेहत का पता चलने के कारण कि इसकी वजह से किसानों को बहुत लाभ हुआ है, उनका खर्चा भी कम हुआ है और उपज भी बढ़ी है। उसी प्रकार से यूरिया की 100% से 100% नीम कोटिंग करके हमने खाद को लेकर होने वाली चिंता को भी दूर किया। किसानों को पानी की सुरक्षा देने के लिए हमने सिंचाई परियोजनाएं शुरू की। दशकों से लटकी करीब करीब 100 सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने का अभियान चलाया, बहुत बड़ी मात्रा में बजट लगा दिया इसके लिए। उसके कारण किसानों को पानी मिल जाए तो वो पानी से पराक्रम करके दिखाता है। उसी प्रकार से पानी बचाने के लिए हमने माइक्रो इरिगेशन, स्प्रिंकलर, उन चीजों के लिए भी बड़ी आर्थिक मदद करके किसानों तक ये व्यवस्थाएं पहुंचाने का प्रयास किया। फसलों को रोगों से बचाने के लिए, ज्यादा उपज के लिए किसानों को नई नई वैरायटी के बीज दिए गए। किसान खेती के साथ साथ बिजली पैदा करे, अन्नदाता ऊर्जा दाता भी बने, अपनी खुद की जरूरतें भी पूरी कर सके, इसके लिए पीएम कुसुम अभियान भी चलाया जा रहा है। लाखों किसानों को सोलर पंप भी दिए गए हैं। उसी प्रकार से आज तो मौसम के विषय में तो हमेशा दुनिया भर में चिंता का विषय बना हुआ है। अभी हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी भी कितने प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, क्लाइमेट चेंज के कारण क्या क्या मुसीबत आती है, बड़े अच्छे ढंग से उन्होंने वर्णन किया। अब आप जानते हैं ओलावृष्टि और मौसम की मार से किसानों को सुरक्षा देने के लिए हमने कई चीजों में परिवर्तन किए। पहले के सारे नियमों में बदलाव लाए ताकि किसान को सर्वाधिक लाभ हो, इस नुकसान के समय उसको दिक्कत ना आए, ये सारे परिवर्तन किए। पीएम फसल बीमा योजना, इससे भी किसानों को बहुत लाभ हो और सुरक्षा मिले, इसकी चिंता की। इस परिवर्तन के बाद किसानों को करीब करीब ये जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जो परिवर्तन लाए उसके कारण किसानों को करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए की क्लेम राशि का भुगतान किया गया है। ये 1 लाख करोड़ रुपया इस संकट की घड़ी में किसान के जेब में गया है। साथियों, एमएसपी में बढ़ोतरी के साथ साथ हमने खरीद प्रक्रिया में भी सुधार किया ताकि अधिक से अधिक किसानों को इसका लाभ मिल सके। रबी सीजन में 430 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा गेहूं खरीदा गया। इसके लिए किसानों को 85,000 करोड़ से अधिक का भुगतान किया गया है। कोविड के दौरान गेहूं खरीद केंद्रों की संख्या 3 गुना तक बढ़ाई है। साथ ही दलहन तिलहन इन खरीद केंद्रों की संख्या भी 3 गुना बढ़ाई गई है। किसानों की छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए किसान सम्मान निधि के तहत 11 करोड़ से अधिक
हमारे हर किसान को, और उसमें ज्यादातर छोटे किसान हैं, 10 में से 8 किसान हमारे देश में छोटे किसान हैं, बहुत छोटे छोटे जमीन के टुकड़े पर पल रहे हैं। ऐसे किसानों को करीब करीब 1.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा रुपये सीधे उनके बैंक अकाउंट के पास भेजे गए हैं। इसमें से 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक राशि तो इसी कोरोना काल में भेजी गई है। किसानों को टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए हमने उन्हें बैंकों से मदद की, और उस मदद की पूरी प्रक्रिया को बहुत आसान बनाया गया है। आज किसानों को और बेहतर तरीके से मौसम की जानकारी मिल रही है। हाल ही में अभियान चलाकर 2 करोड़ से ज्यादा किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दिए गए हैं। मछली पालन करने वाले और डेयरी सेक्टर से जुड़े किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़ा गया है, केसीसी से जोड़ा गया है। 10,000 से ज्यादा किसान उत्पादक संगठन हो ई नाम योजना के तहत ज्यादा से ज्यादा कृषि मंडियों को जोड़ना हो, मौजूदा कृषि मंडियों का आधुनिकीकरण हो, ये सारे कार्य तेज गति से किए जा रहे हैं।